नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी अस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको मालूम है कि दशा के फलों के बारे में पढ़ा रहा हूं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रहों में डिफरेंट ग्रहों की दशा के फल कैसे होते हैं। तो अभी हमारा चल रहा था कि सूर्य की महादशा में विभिन्न ग्रहों के दशाफल कैसे होते हैं। तो पीछे भी मैंने शनि के और बृहस्पति के आपको पढ़ाए थे कि बृहस्पति और शनि की दशा हो और सूर्य की महादशा हो तो किस तरह के फल मिलते हैं। तो आज हम उससे आगे चलते हैं बुध और केतु पे कि सूर्य की महादशा हो, बुध और केतु की अंतरदशा हो तो किस तरीके के फल प्राप्त होते हैं। ऋषि पाराशर जी ने सूर्य की महादशा में बुध की अंतरदशा के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बोला है कि सूर्य सा अंतर्गते सौम्ये। सौम्य बोलते हैं बुध को। सूर्य की दशा में अंतर्गत सौम्य, सौम्य की अंतर्गत दशा अंतरदशा हो। स्वच्छे व स्वरक्षगे अपीवा केंद्र त्रिकोण लाभस्ते बुद्धे भर्ग बलियुते। अगर बुध केंद्र त्रिकोण में हो, लाभ भाव में हो, स्वच्छ उच्च राशि में हो या स्व राशि में हो तो ऐसे में क्या होता है, राज्य लाभ हो महोत्साहो, यानी राज्य का लाभ होता है, बहुत उत्साह मिलता है। दार पुत्रादि सौख्य कृतम, पत्नी और पुत्र का सुख मिलता है। महाराज प्रसादेन, महाराज प्रसादेन मतलब कि महाराज से प्रसाद मिलता है, महाराज से राज्य कृपा मिलती है, राजा की कृपा मिलती है। तो वो लगा लीजिए कि आप राजा की कृपा का मतलब ये हो गया कि आप जिस जहां भी कार्यरत हैं और जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं वहां से आपको कंपनी के सीईओ की या कंपनी के अपने बॉस की आपको पूरा पूरा सम्मान और मिलेगा। इसके अलावा वाहनंबर भूषणम, यानी कि वाहन वस्त्राभूषण की आप प्राप्ति होती है। पुण्य तीर्थ फलावाप्ति ग्रहे गोधन संकुलम, यानी पुण्य तीर्थों की प्राप्ति होती है और गोधन की प्राप्ति होती है। कब? जब सूर्य की महादशा में बुध की अंतरदशा हो और बुध केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में बैठा हो, शुभ वर्गों में बली हो, स्वच्छ राशि में हो या स्व राशि में हो, तब ये सब सुविधाएं और तब ये सब सुख जातक को प्राप्त होते हैं। अब उसके अंदर वो बोलते हैं भाग्य लाभादिर्पयक्ते लाभ वृद्धि करो भवेत, भाग्य पंचम कर्मस्थ सन्मानो भवती ध्रुवम। इसमें बोलते हैं कि यदि बुध भाग्य लाभादिर्पयक्ते, यानी भाग्य भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी से युक्त हो तो लाभ वृद्धि करो भवेत, तो लाभ में वृद्धि होती है। फिर वो बोलते हैं भाग्य पंचम कर्मस्थे सन्मानो भवती ध्रुवम। यदि बुध भाग्य भाव में हो, पंचम भाव में हो, कर्म भाव में हो, दशम भाव में हो तो जातक सम्मान प्राप्त करता है। सुकर्म धर्म बुद्धिश्च गुरुदेव दिज्जानचरणम धन धन्यादि संयुक्तो विवाह पुत्र संभव है। तो ऐसे जातक को सुकर्म धार्मिक प्रवृत्ति, गुरु तथा देवता में भक्ति, धन दान में वृद्धि होती है, विवाह होता है, पुत्रोत्पत्ति होती है और उसके मांगलिक कार्य होते हैं। कब? जब बुध की महादशा हो, बुध की अंतरदशा हो, सूर्य की महादशा हो और बुध भाग्य भाव के स्वामी के साथ बैठा हो या लाभ भाव के स्वामी के साथ बैठा हो तो लाभ में वृद्धि होती है। और बुध अगर भाग्य भाव में बैठा हो, पंचम स्थान में बैठा हो, नवम स्थान में बैठा हो तो उस केस में सम्मान की वृद्धि होती है, सुकर्म की वृद्धि होती है, धर्म की वृद्धि होती है, बुद्धि की वृद्धि होती है, गुरुदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, धन धन्यादि प्राप्त होते हैं और विवाह और संतान का भी विवाह भी होता है और संतान उत्पत्ति भी होती है, ऐसे मांगलिक कार्य भी घर में होते हैं। अब इसमें ये उन्होंने बोला है कि दाये शाह चुभ बरा रस्ते सौम्य युक्ते महत सुखम वैवाहिकम यज्ञ कर्म दान धर्म जपादिकम। यानी कि दाये शाह चुभ रस्ते, यानी बुद्ध यदि दशा स्वामी से शुभ राशि में स्थित हो, बुद्ध यदि दशा स्वामी से शुभ राशि में स्थित हो, शुभ राशि मतलब आपका हुआ कि बृहस्पति की राशि में हो या शुक्र की राशि में हो, दशा स्वामी से शुभ राशि में स्थित हो या सौम्य ग्रह से युक्त हो, यानी कि बुध शुक्र चंद्र इनसे युक्त हो तो महान सुख मिलते हैं, विवाह होता है, यज्ञ कर्म का दान मिलता है, अनुष्ठान प्राप्त होते हैं, भोजन आदि प्राप्त होता है, वस्त्र प्राप्त होते हैं, भूषण आदि प्राप्त होते हैं, ये सब चीजें आभूषण की प्राप्ति होती है। अगर सारे नैसर्गिक सुख मिलते हैं यदि सूर्य की महादशा है और बुध अंतरदशा में, बुध की अंतरदशा है और बुध दशा स्वामी से शुभ राशि में संस्थित है, दशा स्वामी से देख लीजिए कि दशा स्वामी जहां बैठा है उससे शुभ राशि में स्थित हो, तभी ये सब धन धान्य की प्राप्ति,
महान सुख की प्राप्ति, विवाह आदि की प्राप्ति होती है अगर वो दशा स्वामी से शुभ राशि में संस्थित हो, शुभ राशि में बैठा हो। इसमें और ये भी कहा गया है, दायशाद रिपुरंध्रस्थे ऋष्वगे नीच गे अभी वा। दायशाद मतलब यदि बुद्ध दशा स्वामी से रिपु, रिपु माने छठा भाव, रंध्र माने आठवां भाव, रिंध्रस्थे ऋष्वगे माने बारहवां भाव में स्थित हो और नीच गे अभी वा तथा नीच हो, नीच राशि में हो तो क्या कहते हैं, तो उसकी अंतर्दशा में देह पीड़ा मन स्थापो द्वार पुत्रादि पीड़नम, यानी देह में पीड़ा होती है, मन उदास होता है, डिप्रेशन होता है, द्वार पुत्रादि और पीड़नम मतलब संतान और पत्नी से, संतान और पत्नी की समस्या होती है, संतान पत्नी से अच्छे सुख समाचार नहीं मिलते, उनके साथ पीड़ा होती है, पत्नी एवं पुत्र को पीड़ा होती है, ये इसमें ध्यान रखने वाली बात होती है यदि बुद्ध दशा स्वामी से छठा आठवां या बारहवें भाव में स्थित होगा, तो ये ध्यान रखना है। ये पहले भी बताया है कि दशा स्वामी से एक्सिस देखना जरूरी है, कि दशा स्वामी से अंतर दशा का एक्सिस 6-8-12 का नहीं होना चाहिए, तो वो दशा स्वामी से 6-8-12 में हो या नीच राशि में हो तो उसकी अंतर दशा में शारीरिक व्याधि प्राप्त होती है, मानसिक कष्ट होता है, पत्नी या पुत्र को पीड़ा होती है। इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए वो बोलते हैं विष्णु नाम सहस्त्रम च यन दानम च कार्ये रजत प्रतिमा दानम कुरियाद आरोग्य सिद्धये, यानी विष्णु नाम का करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम करना चाहिए, ऐसे में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, अन्नदान करना चाहिए, अन्नदानम जय कार्य रजत प्रतिमा दानम, यानी कि चांदी की मूर्ति बनवा लें, किनकी, विष्णु जी की, भगवान विष्णु की चांदी या चांदी की मूर्ति बनवा के और वो प्रतिमा बनाकर वो दान करनी चाहिए, तो उससे ये सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। अगर बुद्ध अंतरदशा जिसकी अंतरदशा चल रही है वो आपकी कुंडली में छठे दशा स्वामी से छठे आठवें बारहवें हो या नीच राशि में हो तो उसके लिए ये उपाय इन्होंने बताया है ऋषि पाराशर जी ने। इसके बाद आती है केतु की अंतरदशा, सूर्य की महादशा में केतु की अंतरदशा हो तो क्या लिखते हैं ऋषि पाराशर, तो वो लिखते हैं सूर्य स्या अंतर्गते केतु देह पीड़ा मनोव्यथा अर्थ व्ययम राजकोपम स्वजना देरुपद्रम लग्नाधिपेन संयुक्ते आदो सौख्यम धनागमम मध्य तत्कलेश समानुक्ति मृत वार्तागम बदेत। सूर्य की महादशा में केतु के अंदर दशा का फल, सूर्य में केतु के अंदर दशा में शारीरिक पीड़ा होती है, मानसिक व्यथा होती है, वो यही बोल रहे हैं कि सूर्य की महादशा हो और उसमें केतु की अंतर दशा हो तो देह पीड़ा होती है, मन में व्यथा होती है, यानी मन परेशान होता है। अर्थ व्ययम, अर्थ व्यय मीन्स कि धन की हानि होती है। राजकोपम, राजकोप यानी कि राजा से दुर्व्यवहार प्राप्त होता है, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं या जहां भी आप काम करते हैं उसमें हो सकता है कि आपको कंपनी के सीईओ से या कंपनी अपनी अपने बॉस से क्रोध प्राप्त हो, आपकी वो परफॉर्मेंस से संतुष्ट ना हो, ये सब चीजें इसके अंदर होती हैं अगर सूर्य की महादशा में केतु की अंतरदशा हो। उसमें फिर ये कहते हैं लग्नाधिपेन संयुक्त आदो सौख्य धनागमम मध्य तत्कलेशे मापनोती मृत वार्तागमम वदेत, यानी लग्नाधिपेन संयुक्त, यानी अगर लग्न के स्वामी के साथ केतु युक्त हो, अगर लग्न के स्वामी के साथ केतु युक्त हो तो अंतर्दशा के आरंभ में धन आदि प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है, सौख्यम धनागमम यानी धन प्राप्त होता है और सुख प्राप्त होता है। फिर कहते हैं मध्य तत् क्लेश मापनोति, लेकिन दशा के मध्य में दुख और दशा के अंत में किसी की मृत्यु का समाचार प्राप्त होता है, तो सूर्य में केतु के अंदर दशा अच्छी नहीं कहलाती, इसलिए ध्यान देना है कि सूर्य में केतु के अंदर दशा हो तो उस केस में शारीरिक पीड़ा, मानसिक व्यथा, धननाश या बंधु बांधवों से कलह हो सकती है। उसके बाद कहते हैं केतु यदि महादशा स्वामी से अथाष्टमवे चैव दायशे तपाप संयुते कपोल दंत रोगश्च मूत्र प्रच्छस्य संभव, यानी वो कहते हैं कि यदि केतु महादशा स्वामी से अष्टम या द्वादश भाव में स्थित हो, जैसे पहले ही बताया कि 6-8-12 भाव में स्थित नहीं होना चाहिए, तो कोई कहते हैं कि केतु अगर दशा स्वामी से, महादशा स्वामी से अष्टम या द्वादश भाव में संस्थित हो तो गाल के रोग, दांत के रोग, मूत्र रोग वगैरह की संभावना पूरी होती है, शत्रु पीड़ा होती है, स्थान छोड़ना पड़ता है, मित्र की हानि होती है
और पिता के पिता को प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, विदेश गमनम, यानी विदेश गमन भी हो सकता है। पहले जमाने में विदेश जाना अच्छा नहीं माना जाता था, तो इसलिए विदेश गमनम भी बोला है कि विदेश का भ्रमण हो सकता है। तो आप ये मान लीजिए कि विदेश भ्रमण अननेसेसरी आपका खर्चा कराने के लिए होगा, शत्रु पीड़ा होगी, ऐसे फल प्राप्त होते हैं यदु केतु महादशा स्वामी से आठवें दसवें आठवें या बारहवें भाव में स्थित हो। फिर इसमें कहते हैं लग्ना दुपचीय केतु योग आर्को संयुते शुभांशे शुभ वर्गे च शुभ कम फलोदय पुत्र दारादि सौख्यम च संतोष प्रिय वर्धनम विचित्र वस्त्र लाभश्च यशो वृद्धि सुखावह। कहते हैं कि यदि केतु लग्न से उपचय भाव में हो, उपचय भाव कौन से होते हैं हमारे, 3, 6, 10, 11, जैसे आपको बताया गया है कि केंद्र भाव 1, 4, 7, 10, त्रिकोण भाव 1, 5, 9, ऐसे ही लग्न से जो उपचय भाव होते हैं वो होते हैं 3, 6, 10, 11। तो केतु अगर लग्न से 3, 6, 10, 11 भावों में स्थित हो या योग कारक ग्रह से युत हो, जो कुंडली के लिए योग कारक ग्रह है उससे युत हो और शुभ वर्गों में हो, शुक्र की और गुरु की राशि में वर्गों में बैठा हो, तो जातक का सौभाग्य एवं पत्नी संतान से सुख प्राप्त होता है, संतोष प्राप्त होता है, मित्रों का सुख प्राप्त होता है, विलासितापूर्ण जिंदगी प्राप्त होती है, वस्त्र आदि का लाभ होता है, यश में वृद्धि होती है, सुख में वृद्धि होती है। और यदि केतु द्वितीय दुननाथे वा यह पे मृत्युम भयम वदेत, यानी केतु यदि द्वितीय अथवा सप्तमेश हो, जो मारक स्थान हमारे हैं, केतु यदि द्वितीय या सप्तमेश हो, द्वितीय भाव में बैठा हो या सप्तम भाव में बैठा हो, तो ऐसे में महाकष्ट का योग बनता है। ये दिखा तो गया है आप मृत्यु का भय होता है, लेकिन ये समझिए कि कष्टकारी होता है अगर केतु दूसरे एवं सातवें भाव में हो। तो ऐसे में सुख शांति के लिए दुर्गा का अनुष्ठान, दुर्गा माँ दुर्गा का अनुष्ठान, जप या छागदान आदि करना चाहिए, उससे पूरी शांति हो जाती है। तो ये था सूर्य की महादशा में केतु की अंतरदशा और बुध की अंतरदशा के फल। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे ठीक से, और अगर अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मोटिवेशन बढ़ता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।